अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। कैसे हो बच्चों? मॉर्निंग हो गई कि नहीं सबकी? नाश्ता वास्ता किया कि नहीं? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर स्टडीज़। आई एम फ्रॉम SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट EVS, चैप्टर नंबर 3, पार्ट 2। जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में पार्ट 1 का पढ़ा था टाइप्स ऑफ हाउसेज, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेज का पार्ट 2। आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हाउसेज एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी शेख सुमैया। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। देखो फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने लास्ट में ये पढ़ा था ना स्लोपिंग रूफ्स वाला। ओके, ये स्लोपिंग रूफ है। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट हाउसेज अराउंड द वर्ल्ड, DIFFERENT, डिफरेंट, HOUSES, houses around, 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 WORLD, world, different houses around the world, okay? यानी वर्ल्ड के जो अलग अलग घर हैं वो हम देखेंगे। डिफरेंट places, PLACES, places around the world have different types of houses. Types यानी तरह के, अलग अलग तरह के घर होते हैं, वो किन किन चीज़ों से बनते हैं वो हम देखेंगे। In desert, 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 in desert areas, 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 in desert areas, houses have thick, 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 MUD, mud, WALLS, walls, to keep the house cool. In desert areas, houses have thick mud walls to keep the houses cool. अब जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पर पूरी जगह पर क्या होता है, सैंड होता है ना, वहाँ पर सब जगह पर सैंड होती है, तो वो सैंडी एरियाज में गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ लोग क्या करते हैं घर को ठंडा रखने के लिए मड, मड यानी मट्टी होती है ना, गीली मट्टी, उसकी दीवारें बनाते हैं। जैसे ये देखो हट बनी हुई है बराबर, तो ये हट में ये जो वॉल्स है ये गीली मट्टी की वॉल्स बनी हुई है, तो वो लोग डेजर्ट एरियाज में ये गीली मट्टी की वॉल्स बनाते हैं और उनका घर बनाते हैं जिससे उनको घर में गर्मी कम लगे। तो दिस इज हाउसेज विथ मड वॉल्स। नाउ कम्स इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट, हाउसेज आर built, BULT, built on poles, POLES, poles called stilts, STILTS, stilts. ये जो लंबे लंबे बम्बूज दिख रहे हैं आप लोगों को, ये poles है, और ये poles के ऊपर जो घर बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, stilts, so that water does not enter the houses, ताकि घर के अंदर पानी ना आ जाए। यानी कि जहाँ पर रेंज ज़्यादा होती है और जहाँ पर बाढ़ आने का मसला रहता है, यानी कि बरसात बहुत हो जाने की वजह से घर के अंदर पानी आ जाता है, रेल आ जाती है, तो ऐसी जगहों पर इस तरह के बाम्बूज यानी पोल्स लगाकर ऊपर घर बांधा जाता है और उसको कहते हैं स्टिल्स, ताकि घर के अंदर पानी ना आ जाए। नाउ इट कम्स इन प्लेसेस सच एज केरला, KERALA, केरला, एंड कश्मीर, KASHMIR, कश्मीर, वेयर देर आर बिग वाटर बॉडीज। बिग वाटर बॉडीज यानी जैसे कि ओशन है, सीज है, लेक्स है, दोज आर नोन एज बिग वाटर बॉडीज। तो हमने देखा है ना केरला और कश्मीर में भी इस तरह से बड़ी बड़ी नदी होती है, तो दोज आर नोन एज बिग वाटर बॉडीज। हाउसेज आर मेड ऑन बोट्स, फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो जहाँ पर इस तरह से पानी होता है
वहाँ पर लोग बोट में ही घर बना लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हाउस बोट्स, दीज आर कॉल्ड हाउस बोट्स, और इनको हम क्या बोलेंगे, मूवेबल हाउस, ये हाउस बोट इज़ अ काइंड ऑफ मूवेबल हाउस। नाउ इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, COLD कोल्ड, PLACES प्लेसेस, पीपल मेक हाउसेज विथ ब्लॉक्स ऑफ आइस, ये क्या है, इग्लू है, दिख रहा है ना, ये इग्लू है, इसको ये घर को क्या बोलेंगे, इग्लू, दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज, IGLOOS, इग्लूज। तो ये जो इग्लू है ये आप देख रहे हो किससे बने हैं, ये आइस के ब्लॉक से बने हैं, जैसे हमारे यहाँ के घर किससे बने होते हैं, ईंट, ईंट से बने होते हैं ना, इस तरह से ये घर आइस के ब्लॉक से बने होते हैं। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है वहाँ पर घर ऐसे आइस के ब्लॉक से बनाए जाते हैं और उनको कहते हैं इग्लू। नाउ कम्स अ टेंट, सम पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कुछ लोग क्या करते हैं, एक जगह पर नहीं रुकते, वो एक जगह से दूसरी जगह उनके बिजनेस के लिए या कुछ कामकाज के लिए घूमते ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक जगह घर बनाना इज़ नॉट पॉसिबल, सो दे आर कॉल्ड नोमैड्स। अब जो एक जगह से दूसरी जगह कामकाज की वजह से घूमते रहते हैं ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, नोमैड्स, NOMADS। दे लिव इन टेंट्स, TENTS, विच कैन बी ईजीली FOLDED, फोल्डेड एंड कैरीड, CARRIED, कैरीड विद देम। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इस तरह की टेंट बनाते हैं जो जहाँ मर्जी चाहे वहाँ पर लगा कर रह सकते हैं, और जब वहाँ से जाना हो तो ऐसे घर को वो लोग निकाल कर दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। दे ऑल्सो लिव इन हाउसेज ऑन व्हील्स, वो लोग क्या करते हैं, जो व्हील से बने घर होते हैं उनमें भी रहते हैं, कॉल्ड कारवांस, CARAVANS, और जो व्हील्स वाले घर होते हैं उनको क्या कहते हैं, कारवांस, जैसे हमने पहले वार्म अप में देखा था व्हील वाली वैन देखी थी ना, तो दैट इज़ नोन एज कारवांस। नाउ पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लिव इन, जो पीपल एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, कारवांस में, यहाँ लिखेंगे हम कारवांस। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर चैप्टर विच इज़ कंप्लीटेड।